हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ अर्नोना बेबी वांगशन फैन फिक्शन का न्यू चैप्टर लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। और गाइस, मैं इसमें आपको बता दूं कि इसमें दो लवांगची एक लवांगची और एक लंजा है, जो कि ट्विन ब्रदर्स हैं, और उन दोनों की ही आगे चल के शादी विंग से होगी। तो यहाँ पर विंग फिर से एक शेयर्ड वाइफ है, जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं पसंद वो अभी के अभी छोड़ दे, जिसको पसंद है वो आगे देखें। और किसी ने मुझे कहा था कि यहाँ पर जो अडल्ट लेंचरन है और विंग की मॉम का जो अफेयर है, सो कॉल्ड सेक्सुअल अफेयर, उसकी प्लॉट को मैं चेंज कर दूँ। तो गाइस, जो मैंने स्टोरी लिखी है मैं उसे चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि ये बहुत अहम किरदार निभाएगी आगे चल के। और सेकेंड चीज़, ये स्टोरी मैं कभी भी शेयर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट मैंने वांगशन फैन फिक्शन सुनने वालों के लिए नहीं लिखे थे। कुछ मैंने जर्नल जो हमारे आसपास चीज़ें होती हैं उन्हें काउंटर करके कुछ कॉन्सेप्ट लिखे गए थे, और वो मैं अपनी इंटरनेशनल लोगों से या जो उस कॉन्सेप्ट को पसंद करते हैं सिर्फ उनसे शेयर करना चाहती थी। लेकिन हाल ही में मेरी चीज़ें जब चोरी होने लगी और मेरा वर्क जब चोरी होने लगा, तो मैंने सोचा कि मैं इसे यूट्यूब पर, अपनी यूट्यूब पर डाल दूँ। इससे बेहतर कि दूसरे मेरी चीज़ों को चोरी करके अपने यूट्यूब पे चलाएं, तो मैंने सोचा कि उससे अच्छा तो मैं ही शेयर कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट कहीं से भी अच्छा नहीं लगता तो आप वहीं स्किप कर दें बिना कुछ बुरा या भला किए हुए। और जो मैं कॉन्सेप्ट अभी शेयर कर रही हूँ गाइस, ये बहुत बड़ा रोल जो है प्ले करने वाले हैं आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए। और ये स्टोरी बेस्ड ही इन सारी घटनाओं पर हैं कि ज़रूरी नहीं कि लाइफ में सब कुछ अच्छा हो। कभी कभी कुछ लोगों के, कुछ बड़ों के नेगेटिव किरदार हमारी ज़िंदगी को किस तरह से बदल देते हैं, ये उस पर है कि कुछ बड़े लोगों के फैसले ऐसे हो जाते हैं कि भुगतना बच्चों को पड़ता है। आई होप, जैसे कि मैं अपनी हर स्टोरी में एक सीख देती आई हूँ, इस स्टोरी से भी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हमें हर चीज़ को लेके पॉसेसिव नहीं होना चाहिए, चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे हमारे हस्बैंड हो या हमारा कोई लवर हो। पोजेसिवनेस ना आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाती है, तबाही की तरफ ले जाती है, और कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पर हम वही चीज़ देखेंगे कि किस तरह से हम अपने पोजेसिव नेचर को लेके, या हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो किस तरह से हम पूरी दुनिया को तबाह कर देते हैं सिर्फ एक चीज़ के लिए। तो ये हमारा अंधापन होता है, ये प्यार नहीं होता, ये ऑब्सेशन होता है। तो मैंने यही बताने की इस स्टोरी में कोशिश की थी। आई होप आपको ये स्टोरी लाइन अच्छी लगी होगी। चलिए मैं इस स्टोरी को शुरू करती हूँ। विंग का पॉइंट ऑफ व्यू, जिस तरह से उसने अपने पेरेंट्स को इंटीमेट होते हुए, मतलब अपनी मदर को लेंचरन के साथ इंटीमेट होते हुए देख लिया था, तो विंग का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। विंग रात में उठता है, उसे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। आज उसकी मदर शायद उसके कमरे में पानी का जार रखना भूल गई थी। विंग जैसे ही दरवाज़ा खोलता है किचन में जाने के लिए, वो देखता है उसकी मॉम बिना कपड़ों के लेंचरन को किस कर रही हैं, और वो सारी चीज़ें देखता है जो वो उस रात में करते हैं, यानी कि उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी का विंग गवाह होता है। विंग को यकीन नहीं आता कि उसकी अपनी मम्मा चीट कर रही हैं उसके अपने डैड पे, और वो भी किसी और के साथ नहीं, उनके ही बेस्ट फ्रेंड, उनके ही मालिक लेंचरन के साथ। और लेंचरन भी कितनी बेशर्मी के साथ ये चीज़ें इंजॉय कर रहे हैं उसकी मामा के साथ। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा शेमलेस एक्ट को देख के उसे बहुत गंदा सा फील होता है जब उसकी मामा और अंकल ये सब कर रहे होते हैं। वीन को एकदम सफोकेटेड ऐसा फील हो रहा था कि उसे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के रोना चाहिए। वो अपने मुंह को अपने हाथ से बंद कर लेता है, और उसके लिए एकदम हॉरेबल ड्रीम जैसा था, जैसे कोई इतना भयानक सपना जो उसके हकीकत की दुनिया को चूर चूर कर दे, बिल्कुल ऐसा था। और उसकी मॉम एक अदर मैन के साथ बिल्कुल उसी घर में, ये कैसे पॉसिबल था, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। और उसकी मॉम किसी और के साथ नहीं, लेंचरन के साथ थी। लेंचरन वो इंसान जो कि उसके लवर्स, यानी कि उसके बॉयफ्रेंड्स का पिता है। और इस वक्त विंग का दिल कर रहा था कि वो भाग जाए लैन मेंशन से। उसने कभी नहीं चाहा था कि ऐसा कभी हो जाए। और इस वक्त जबकि वो अपने दोनों लेन वांगची और लंजा
दोनों को छोड़ के नहीं जाना चाहता था। यहाँ पर ये सब देखने के बाद उसका तो दिल ही नहीं किया कि वो यहाँ रुके, और वो कभी इस घर में इतनी घिलौनी चीज़ देखने के बाद वापस भी नहीं आना चाहता। उसे नफ़रत हो गई थी इन दोनों से। जी हाँ, उसे लहनचरण और अपनी मॉम दोनों से ही नफ़रत हो रही थी कि कितना घिलौना चीज़ ये एक ड्राइंग रूम में बैठ के कर रहे हैं। वो माफ़ नहीं कर सकता था, स्पेशली अपनी मम्मा को, क्योंकि उन्होंने वीजिया ने अपने ही बेटे के सामने ये सब चीज़ें की, एक रूफ के नीचे की, और उसके ही पिता को धोखा दे दिया। आखिर ऐसा क्या हो गया कि हवस के चलते एक इंसान इतना अंधा हो सकता है कि अपने पूरे घर को ही तबाह कर दे, और स्पेशली जब वो एक माता या पिता का रोल अदा कर रहे हों। यहाँ पर मिसेस वीजिया का पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है। उनके अकॉर्डिंग वो हमेशा से रिवेंज लेना चाहती थी लेन फैमिली पे, जिन्होंने उन्हें फोर्स किया कि वो अपने बच्चे को उनके हवाले कर दे। लेन ट्विन ब्रदर, जो उनके दो बेटे थे, वो विंग की लाइफ को कंट्रोल करते थे, और विंग ज़्यादा फ्रेंड नहीं बना पाता था, क्योंकि वो जो लेन ट्विन ब्रदर्स थे ना, वो अपने आप ही चीज़ों को अपनी तरीके से मैनिपुलेट करके विंग को हमेशा अपने पास रखते थे, जो कि वीजिया का एक अलग से अजम्पशन था, यानी कि उनकी सोच थी। और वो हमेशा से चाहती थी कि विंग कहीं बाहर चला जाए। विंग कभी भी इन लैंड ट्विन ब्रदर, जो कि बहुत ज़्यादा स्पॉइल्ड बच्चे हैं, जो बहुत ज़्यादा बिगड़े औलादे हैं, इनके साथ ना रहे। हमेशा मिस्टर वी चांग से जो थे वो विंग को वीजिया जो थी वो प्लान बनाती थी, और वी चांगसे को अक्सर कहती थी कि वो विंग को बाहर भेज दे, लैन फैमिली से बहुत दूर। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया, तो जिया यानी कि मिसेस वी ने खुद ही सोचा कि वो ऐसी रिवीलिंग ड्रेस पहनेंगी, लैन चिरन को सिड्यूस करेंगी खुद से शराब पीकर, और एकदम प्रॉपर ड्रंक वुमेन की एक्टिंग करके यहाँ पर लैन चिरन को अपनी बातों में, अपनी अदाओं में फंसा लेंगी। उनका पर्पस कभी भी कुछ और नहीं था। उन्होंने बल्कि जानबूझकर भी विंग के कमरे में वो जार नहीं रखा था पानी का, जो वो अक्सर रात में रखा करती थी। वो जानती थी कि विंग अपनी मदर को मिस्टर लेन के साथ देख रहा है, और विंग कभी भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब वो ज़िंदगी में भी लेंस जो ये लोग हैं, इनकी सेम रूफ एक छत के नीचे कभी नहीं रह पाएगा लेन फैमिली के साथ, जहाँ पर उसकी मॉम उसके ही अंकल के साथ संबंध बना रही हो। वो हमेशा से विंग को दूर भगाना चाहती थी, और वो जानती थी कि अगर वो सीधी उंगली से काम करेंगी तो सीधी उंगली से काम नहीं हो पाएगा, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने, जो कि उनका एक सेक्सुअल डिज़ायर भी था, क्योंकि उनके हस्बैंड उनके साथ ज़्यादा इंटीमेट नहीं होते थे, तो उन्होंने अपनी सेक्सुअल इच्छा भी पूरी कर ली, और विंग के मन में इतनी नफ़रत भर दी कि वो ज़िंदगी में दोबारा इस घर में आने का ना सोचे। और यहाँ पर वीजिया बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुकी थी अपने प्लान में, और वो उनकी जो सेक्सुअल क्रेविंग थी, भूख थी, जो उनकी हवस थी, वो भी मिट चुकी थी। लेंचरन भी बहुत ज़्यादा हैंडसम थे, और उसके हस्बैंड, जो कि उनसे अब प्यार नहीं करते थे, वीजिया हमेशा जानती थी कि उनके पति घर आना अवॉइड करते हैं, और इंटिमेसी भी अपनी वाइफ के साथ वो मोस्टली बाहर ही रहा करते थे। और वो विंग को अब सफ़र करता नहीं देख सकती थी, क्योंकि उनके फादर इनकैपेबल थे विंग को पढ़ाने में, विंग को पालने में, विंग को पोसने में, यहाँ तक कि वो अपनी वाइफ को भी हाथ नहीं लगाते थे, क्योंकि वो विंग को लेके कुछ ज़्यादा पॉजेसिव थी। मिस्टर वी चांगसे का अब अपनी बीवी में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। उनके लिए जो भी था उनका बेटा था, लेकिन मिसेस जिया को लगता था, मिसेस वी को लगता था कि शायद उनका बेटे में भी कोई इंटरेस्ट ना हो। वो हमेशा से अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना, अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को सेटिस्फाई करना ज़्यादा अच्छा मानती थी, और वो बार बार ये चीज़ें करती थी। यहाँ तक कि वो अब तो सेक्सुअल एक्टिविटी का सिलसिला लेंचरन और उनके बीच तो शुरू होने ही वाला था, क्योंकि ये तो एक पहला ट्रायल था। जिया अब चाहती थी कि लेंचरन की फैमिली भी सफ़र करें, और वो भी ज़िंदगी भर गिल्ट में रहें कि उन्होंने अपनी वाइफ, अपने दोनों बेटों को धोखा दिया है। वो बर्बाद कर देना चाहती थी लेन फैमिली को, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी ज़िंदगी जो बर्बाद हुई है वो इनकी वजह से है, जबकि वो ये भूल गई कि वो एक गरीब फैमिली से आते थे, और वो विंग को कभी वो परवरिश दे ही नहीं पाती जो लेंस ने दी।
उसके पति जो कि लेंस के अंदर काम करते थे और इन्हें इतनी लग्जरी लाइफ मिली हुई थी वो सब लेंस की दी हुई थी, लेकिन वीजीए अपने अहंकार में चीज़ें भूल गई। वो कभी नहीं चाहती थी कि विंग लेन ट्विन ब्रदर से शादी करें, यहाँ तक कि वो विंग की शादी किसी से भी कर सकती थी, बेच देती विंग को कहीं भी, लेकिन वो लेन ब्रदर से कभी शादी नहीं कराना चाहती थी। और उसका डिज़ायर था कि वो एक बेड वार्मर बन जाए लेन चेरन की। उसकी डिज़ायर उसे पोजेस कर चुका था और वो अब लग्जरियस लाइफ की, जो कि लेन यी की तरह अपनी लग्जरी लाइफ को छोड़ना नहीं चाहती थी, वो अब हर चीज़ अपने लिए चाहती थी। यहीं पे एक और पॉइंट ऑफ व्यू शुरू होता है हमारे लवांगची का। वो सारे के सारे अनअवेयर होते हैं, जो यहाँ पर सबको ये पता है कि विंग देख रहा है अपनी मामा को लेन चेरन के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में, लेकिन छत पर से एक और इंसान भी उस चीज़ को देख रहा था, वो था लवांगची। और लवांगची ने हर चीज़ वहाँ पर देखी जो उसके फादर और विंग की मदर के बीच में हुई, और वो छत पर था, वो अचानक से उठ गया था और उसे बहुत ज़्यादा लस्टफुल आवाज़ें आ रही थी रात में, कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा मुआयन कर रहा हो बहुत तगड़े तरीके से। और लवांगची जैसे ही बाहर जाता है तो उसे पता चलता है कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। ये आवाज़ें किसी रूम से नहीं बल्कि ड्राइंग रूम से आ रही थी, और वो देखता है कि वीजिया किस तरह से बिना कपड़ों के उसके फादर की लैप पे बैठी हुई हैं और बार बार सेक्सुअल एक्टिविटी के मज़े उठा रही हैं। वो अपने ही लस्ट में, प्लेजर में अंधी हो चुकी हैं। वो इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ें कर रही हैं, किस कर रही हैं, जैसे कोई पागल हो गया हो, जैसे जैसे ना जाने कितने जन्मों से वो इस चीज़ के लिए तरस रही हों। लवांगची जो कि बहुत सारी एडल्ट मूवीज़ देख चुका था, पॉर्न देख चुका था, एक एडल्ट था, वो जानता था कि ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, और वो आज खुद विटनेस करता है अपने फादर को चीट करते हुए उसकी अपनी फैमिली पे। और वो किसी और के साथ नहीं, विंग की मदर के साथ चीट कर रहे हैं। वांगची की आंखों से आंसू आ गए, ये तो ब्लंडर मोमेंट हो गया था। उसे सफोकेट फील हो रहा था, और अगर उसकी मदर आ गई घर पे और उन्होंने ये सब ढूंढ लिया तो, और क्या होगा अगर अगर विंग ने ये सब देख लिया तो, कि किस तरह शेमलेस होके उसके फादर और उसकी मदर ये सब कर रहे हैं। लवांगची रोने लगता है और सोचता है, फादर क्यों आपने ऐसी चीज़ें की, वो औरत तो थी ही बेकार, उसने सब बर्बाद कर दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई। कॉन्ग्रेचुलेशन मिसेस वीजिया, आप सक्सीड हो गई, मेरी पूरी फैमिली को तबाह करने में आप मुबारक हो, आप अपने इरादों में पूरी हो गई और आपने बहुत अच्छे से चीज़ें की, आपने आपने हम दोनों को अलग कर दिया। मैं किस मुंह से विंग के सामने जाऊंगा, मुझे यहाँ से जाना होगा। पर लवांगची खुद से सोचता है, अपने आंसुओं को पोंछता है और कहता है, विंग, वो मन ही मन बोलता है, सॉरी, पर तुम्हारी मदर ने मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, अब मुझे फ्यूचर में कभी भी ब्लेम मत करना वीजिया, जो भी आगे चल के होगा उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी तुम पर जाएगी, क्योंकि तुमने आज पहल की है इस पूरी फैमिली को तोड़ने की और हम सबको बर्बाद करने की, तो फ्यूचर में तुम इसके कॉन्सिक्वेंसेस खुद भुगतोगी, याद रखना। ये बहुत ज़्यादा हार्ड नाइट थी लवांगची और विंग के लिए, जिन्हें पता ही नहीं था कि, विंग को नहीं पता था लवांगची ये सारी चीज़ें ऊपर छत से देख रहा है, और लवांगची को नहीं पता था कि विंग भी ये सारी चीज़ें देख चुका है, और उन दोनों ने ही अपने पेरेंट का सेंसफुल एक्ट देखा था। लंचा अभी भी बेखबर था कि जो हुआ है वो कैसे हुआ है, और आने वाले टाइम में ना जाने कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगा ये उनके घर में, शायद सब कुछ टूट ही जाएगा। अगली सुबह होती है जब लंजा की मदर घर आती हैं, लेन मेंशन में वापस आती हैं, और यहाँ पर मिसेस वी जो होती हैं वो एज अ सर्वेंट काम कर रही थी, प्रिपेयर कर रही थी मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट को लेन फैमिली के लिए। तभी वहाँ मिस्टर लेन चेरन आते हैं, जो कि फूड टेबल पे बैठते हैं, और वो सारे अपने बच्चों का वेट कर रहे थे ताकि वो आएँ और ये सारे मिलके ब्रेकफास्ट करें। वी जो थी वो सर्वेंट को खाना टेबल पे लगाने में, सजाने में हेल्प कर रही थी। वीजिया जानती थी कि उन्होंने रात में कितनी बड़ी
मैसअप कर दिया चीज़ों को, अपने बेटे के इमोशंस के साथ भी वो खेल गई, लेकिन वो उसे आज सुबह मॉर्निंग में जगाने नहीं चाहती उसके रूम में जैसे कि वो अक्सर जाया करती थी। उन्हें शर्म आ रही थी कि वो कैसे फेस करेंगी अपने बेटे को। मिसेस वी जिया जो थी, उन्हें एक्सट्रीम प्लेजर और बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी। उनकी टांगें भी कांप रही थी क्योंकि वो रात में बहुत ज़्यादा देर तक सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज रही। लंजा पहले सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए आता है और सबको ग्रीट करता है हेलो बोल के, क्योंकि लंजा अनजान था। लवांगची ने रात में सब देखा था लेकिन लंजा को कुछ भी नहीं पता था। ये बहुत ही ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी उसके लिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये सुबह का उगता सूरज किसी अजाब से कम नहीं था, किसी जहर से कम नहीं था, और उन लोगों के लिए कुछ भी ब्यूटीफुल नहीं था इस मॉर्निंग में, स्पेशली विंग और लवांगची के लिए। विंग भी खाने की टेबल को सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट को उन लोगों को ज्वाइन करता है। विंग ने सब चीज़ों में उन सबको एड्रेस किया था और गुड मॉर्निंग कह के जो है उन लोगों को ग्रीट किया, पर उसने किसी से भी आई कांटेक्ट नहीं किया, स्पेशली अपनी मदर से और लैंड चरण से। वहाँ पर विंग बहुत ज़्यादा सैड था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मदर और अंकल ने मिलकर उन्हें धोखा दिया हो। वहाँ पर उन लोगों के साथ चीटिंग हुई थी सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ, लेकिन बच्चे कैसे मुँह खोल दें। यहाँ पर बच्चे ज़्यादा समझदार हैं जो चाहते नहीं कि घर टूट जाए। तभी मिस्टर लैंड चरण कहते हैं, विंग लंजा मैं बच्चों का ही वेट कर रहा था सुबह के मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए हमारी फूड टेबल पे, मुझे बहुत सारी अर्जेंट चीज़ें तुम लोगों से डिस्कस करनी हैं, तो चलो पहले हम वांगची का वेट कर लेते हैं। वो जैसे ही बोलता है तभी लवांगची भी नीचे आता है और उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो किसी को भी गुड मॉर्निंग विश नहीं करता, उसकी आंखें सूज चुकी थी और वो वहाँ आकर चुपचाप बैठ जाता है, लेकिन वो एक भी वर्ड नहीं बोलता। वो सारे के सारे ब्रेकफास्ट खा रहे थे तभी लैंड चरण जो है वो एकदम से बोल पड़ता है, जैसे कि तुम जानते हो विंग, तुम्हें दूसरी सिटी जाना होगा अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए। इवन मैं जानता हूँ कि ये जो लैंड ट्विन ब्रदर है ना, ये तुमसे जल्द से जल्द एंगेज हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा विंग, और उसके बाद तुम सिटी जा सकते हो। और उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम तुम्हारी एंगेजमेंट की पार्टी रखें इस सैटरडे नाइट को, कैसा रहेगा। विंग जो था वो एग्री कर जाता है लैंड चरण के साथ, क्योंकि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो लैंड हाउस छोड़ के जा रहा था उस लास्ट इंसिडेंट के बाद, उसका दिल भी नहीं था यहाँ रुकने का, लेकिन वो लैंड ब्रदर्स के साथ एंगेज होते हुए भी काफ़ी खुश था, क्योंकि वो उन दोनों के बिना वैसे भी नहीं रह सकता था और वो दोनों भी उसके बिना नहीं रह सकते थे एक सिंगल डे भी। लेकिन तभी लवांगची ऐसी स्टेटमेंट देता है एक हार्श टोन में कि सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो कहता है, डैड मैं यूएसए जाना चाहता हूँ और मैं अपनी स्टडीज़ को परस्यू करना चाहता हूँ, और अभी मैं किसी चीज़ में एंगेज नहीं होना चाहता या किसी के साथ भी, स्पेशली जब मेरी उम्र सिर्फ 19 साल है। अभी मैं, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा करियर है और कुछ भी नहीं। और ये सुनने के बाद सबके कान खड़े हो जाते हैं कि पहली बार लवांगची ने शादी से मना कर दिया। वी चांगसे का तो दिल वहाँ पर, सॉरी वी जिया का दिल तो वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से डांस कर रहा था जैसे कोई नागिन की ट्यून बज रही हो, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक ही पत्थर से तो निशाने लगा दिए हों। तभी वो मन में सोचती है, वाओ ये इडियट लैंसन कैसे मना कर गया एंगेजमेंट करने से, वो भी मेरे बेटे से। ओ ला ला, ये स्टूपिड ब्रैट, ये कैसे, ये तो वर्दी भी नहीं है मेरे विंग का। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है ना कि तुम मेरे बेटे को छोड़कर यहाँ से जा रहे हो, वरना मैं तुम्हारी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा बेकार बना देती कि तुम्हें यहीं पे नरक दिख रहा होता। यहाँ पर वी जिया जो थी वो स्मिर्क करती हैं, लेकिन लवांगची को डिस्गस्टिंग फील हो रहा था क्योंकि उसे वो औरत बिल्कुल स्लट लग रही थी। उसका फेस पे वो जो स्माइल थी, उसका मन कर रहा था कि वो अभी खड़ा हो और उस औरत के मुँह से वो स्माइल छीन ले। तभी लवांगची कहता है, डोंट वरी मिस जिया, मैं जो करना चाहता हूँ मैं वही करूँगा और आपको हर चीज़ के लिए पे करना होगा, और याद रखना मेरे इन शब्दों को। लवांगची ये सब चीज़ें बोलना तो ज़ोर से चाहता था लेकिन वो अपने मन में ही बोल के रह जाता है। वो उस औरत को जो कि वहाँ पर खड़ी गंदी तरीके से हंस रही थी, उसे
उसे इतनी ज़ोर से पंच करना चाहता था ना, लेकिन वो कर नहीं सकता था। तभी लंजा लवांगजी से पूछता है, लवांगजी को क्या हो गया, आपको क्या हो गया अचानक से? आप क्या वीन को प्यार नहीं करते? आप कैसे हमारी एंगेजमेंट के लिए मना कर सकते हैं? लंजा शॉक था कि लवांगजी ने एंगेजमेंट के लिए मना कर दिया। तभी लवांगजी उसे देखता है और रिप्लाई करता है एक स्मिर्क के साथ कि मैंने अपना डिसीज़न बता दिया है लंजा, मैं अपने करियर पर फोकस करना चाहता हूँ और ये हमारी एज नहीं है कि हम एक सर्वेंट के सन के साथ एंगेज हों। यहाँ पर वो मेंशन करता है कि विंग एक सर्वेंट का सन है। ये वर्ड सुनते ही ना जाने कितने दिल टूट गए थे, स्पेशली लंजा, विंग और वी जिया का, क्योंकि उसने इनडायरेक्टली मिस्टर वी और मिसेस वी को सर्वेंट बोल दिया था। और लंजा जानता था कि उसका ब्रदर ऐसा नहीं है, उसका ब्रदर ऐसा क्यों कर रहा है और वो विंग को एक सर्वेंट का सन कैसे बोल सकता है। लंजा खुद में सोचता है कि यहाँ पर कुछ तो खिचड़ी पक रही है, लवांगजी के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, स्पेशली विंग की मदर के अगेंस्ट क्या हो सकता है ये चीज़ें। लेकिन उन दोनों का इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, लंजा और लवांगजी का, कि वो एक दूसरे को कभी भी गलत नहीं समझ सकते थे। लंजा स्मिक करता है लवांगजी की तरफ और कहता है, हाँ मैं भी बिल्कुल एग्री हूँ लवांगजी को के साथ। और लंजा जो था वो लवांगजी को सपोर्ट करने लगता है, आंख मारता है विंग की तरफ। विंग जो कि जानता था कि लवांगजी ने उसके लिए कितनी चीज़ें सेक्रीफाइस की हैं, वो इस तरह से विंग को सबके सामने तो नहीं जलील कर सकता। और विंग भी समझ जाता है कि लवांगजी का कुछ ना कुछ तो प्लान चल रहा है, वो उसकी माँ पे जान के हंसना चाहता है। और कभी भी लवांगजी गर्ल ने उसे सर्वेंट का बच्चा नहीं कहा था और ना ही ऐसा कभी बिहेव किया था। लवांगजी गर्ल ऐसा कभी नहीं कर सकता था कि वो विंग को नीचा दिखाएं और सडनली वो स्टेट जाना चाहते हैं अपने करियर के लिए। क्यों, क्या लवांगजी गर्ल ने अपना दिमाग बदल दिया, अपने दिमाग से सारे ख्याल बदल दिए, या फिर उन्होंने कुछ देख लिया? क्या उन्होंने कल रात वाली चीज़ें देख ली? क्या उन्होंने हमारे पेरेंट्स की वो लस्टफुल सिनफुल एक्टिविटी देख ली? ओ गॉश, नहीं नहीं नहीं, इससे तो लवांगजी का बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे। शिट, उनकी आंखें भी सूजी हुई हैं। लवांगजी का उन्होंने तो आज सुबह किसी को ग्रीट भी नहीं किया और इवन उन्होंने एंगेजमेंट भी डिनाई कर दी। लवांगजी का सॉरी, विंग मन में ये सारी चीज़ें सोचता है क्योंकि इन बच्चों का इतना गहरा बॉन्ड था कि कोई उसे तोड़ ही नहीं सकता था। तो बच्चे भी एक दूसरे की चीज़ें समझते हैं, खाली बड़े ही नहीं जो चीज़ें समझते हैं, अब बच्चे भी समझदार हो गए थे। विंग के दिमाग में सारी चीज़ें जाती हैं और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। और जैसे ही वो लवांगजी को देखता है, विंग वहाँ से खड़ा होता है और लवांगजी की तरफ आता है और विंग एकदम से लवांगजी के लैप पे बैठ के बोलता है, सॉरी लवांगजी को। लवांगजी का हर्ट जो कि बहुत बुरी तरह से दुख रहा था, वो विंग के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछता है। लवांगजी बहुत शॉक था और वो जानता था कि उसके वर्ड क्या हैं। वो डिनाइल नहीं कर कभी भी कर सकता था एंगेजमेंट के लिए, वो अपने बेबी विंग को कैसे हर्ट कर सकता था। तभी वहाँ पर लवांगजी कहता है, विंग रोना बंद करो, आई लव यू और मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम क्या हो मेरे लिए मैटर नहीं करता, मैं तुमसे हमेशा खुले दिल के साथ प्यार करता हूँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। और लंजा, जैसे ही मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाएंगी, हमें फोकस करना होगा अपने करियर के लिए। वो तभी विंग के चीक्स पे प्यारे से किस करता है, जिसे देखने के बाद वी जिया अगेन सड़ जाती है लवांगजी को देख के और गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लेती है। लवांगजी का यहाँ पर वी जिया को एक करारा जवाब था और थप्पड़ था उसके मुंह पे, जो इन बच्चों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहती थी अपने इविल नेचर के चलते। जैसे ही वो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, विंग लवांगजी के रूम में जाता है जहाँ पर लंजा भी बैठा हुआ था। और अभी लंजा और लवांगजी एक ही रूम में रहा करते थे। लंजा का रूम जो था वो रेनोवेशन के लिए था और दोनों ट्विन ब्रदर टीनेजर थे और अपना सेपरेट रूम उन्हें चाहिए था। लेकिन लैनी जो थी वो अनदर रूम लंजा के लिए प्रिपेयर करवा ही रही थी। तभी वहाँ पर लंजा कहता है, लवांगजी का आप क्यों नहीं एंगेज होना चाहते हमारे नूना बेबी विंग से?
मुझे पता है कि कहीं ना कहीं विंग की मॉम का इसमें हाथ है। क्या उन्होंने कुछ और कोई टेंट्रम्स थ्रो किया है? तभी लवांगची कहता है वो हम सबको सेपरेट करना चाहती है विंग से। कोई भी कीमत चुकाने के लिए वो औरत तैयार है, तो हमें केयरफुल रहना होगा, हमें हर चीज़ पे ध्यान देना होगा। इवन मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों खुद को प्रोटेक्ट करके रखो, और ये बेटर होगा कि हम अलग अलग ज़िंदगी बिताएं बिना एंगेज हुए। हम लोगों को पहले अपने करियर बनाने चाहिए, ताकि कोई भी हम लोगों को मॉनेटरी टर्म्स में या किसी भी टर्म्स में अलग ना कर सकें। तभी वो हक कर लेता है अपने भाई को, और वहाँ पर विंग भी था, विंग भी उन्हें हक करता है, ज्वाइन करता है। तभी विंग कहता है लंजग मुझे प्यास लग रही है, क्या आप मेरे लिए एक गिलास ऑरेंज जूस लेके आएंगे? और वो पाउटे लिप्स बनाता है, पपी आइज भी, लेकिन लंजा कैसे मना कर सकता था। और वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा माय बेबी विंग। और वो रूम से बाहर जाता है, जो जहाँ पर रूम में लवांगची और सिर्फ विंग रह जाते हैं। तभी विंग कहता है सॉरी वांगची को, मैं जानता हूँ आपने कल रात जो भी हुआ हमारे पेरेंट्स के बीच में वो सब देख लिया, इसलिए आज आपने मेरे साथ एंगेज होने के लिए मना कर दिया ना, मैं अपनी मम्मा की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वो लवांगची को बहुत ज़ोर से हक कर लेता है। तभी लवांगची उसे हक करते हुए रोते हुए कहता है विंग रोना बंद करो, मैं भी माफ़ी मांगता हूँ मेरे डैड के बिहाफ पे, और मैं चाहता हूँ कि हम लोग अब अपने करियर पे फोकस करें, वरना तुम्हारी मॉम एक दिन सब कुछ बर्बाद कर देंगी। विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी अपने पास से दूर नहीं जाने दूँगा, और ना ही कभी तुम्हें अबैंडन करूँगा, ये मेरा वादा है। वो दोनों के दोनों तभी हक को अपने को ख़त्म करके विंग वांगची के सॉफ्ट लिप्स पे किस कर देता है, और विंग धीरे से बोलता है मैं आप दोनों से प्यार करता हूँ, आई लव यू वांगची का, आई लव यू लंजा। वो जैसे ही ये बोलता है वो तभी लवांगची विंग के लोअर जो लिप होता है उस पर बाइट कर लेता है, और लवांगची उसे फोरहेड पे किस करता है और कहता है विंग तुम्हें अपनी परवाह करनी होगी, सिटी में अपना ख्याल रखना होगा, हम दोनों ट्विन ब्रदर तुमसे एक दिन शादी ज़रूर करेंगे, और जब भी तुम शादी के लिए रेडी होगे हम दोनों के साथ, हम लैंड ट्विन ब्रदर्स हैं, लेकिन प्लीज़ किसी को भी खुद को टच करने मत देना या खुद को हर्ट करने मत देना, मैं तुम्हारे अलावा किसी से प्यार नहीं कर पाऊँगा विंग। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो, तो मुझे एक आवाज़ लगाना, एक फ़ोन करना, मैं हमेशा बिना किसी हेजिटेशन के वहाँ आ जाऊँगा, या फिर लंजा भी किसी भी कोस्ट पे तुम्हारे पास आ जाएगा। लंजा तभी ऑरेंज जूस लाता है और वो विंग के फॉरहेड पे किस कर देता है। तभी लंजा कहता है विंग लवांगची का आप दोनों मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हैं, मुझे भी कहीं ना कहीं जाना है। तभी लवांगची हंसते हुए लंजा पे कहता है तुम अंटार्कटिका रीजन में चले जाओ या आर्कटिक रीजन में, वो तुम्हारे लिए बेस्ट प्लेस हैं, तुम वहाँ पर जाकर किसी पोलर बियर से शादी कर सकते हो, या फिर एक फीमेल पेंगुइन से, या फिर एक फीमेल पांडा से। लंजा जोर से हंसता है और कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ हमारे बेबी विंग से शादी करूंगा, और विंग हमारे लिए बेस्ट वाइफ होगी, है ना लवांगची का। और यहाँ पर जो ये छोटे छोटे बच्चे थे इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। ऐसे ही एक मंथ बीत जाता है, और किसी इश्यूज़ की वजह से जो है विंग का ट्रांसफ़र जो है हाई स्कूल एडमिशन किसी और सिटी में जो कि रुका हुआ था वो 3 से ज़्यादा महीने ले लेता है। और फाइनली वो डे आता है जब उन लोगों को लैंड मेंशन छोड़ के जाना था कुछ सालों के लिए। मिस्टर वी चांग से और लैन चरण जो थे वो वेट कर रहे थे विंग का, और मिसेस लैनी और वी जिया भी पैक कर रही होती है सारे नेसेसरी सामान विंग के लिए। वो उसका फेवरेट फूड आइटम स्पेशली विंग जो चिप्स कैंडीज वेफर चॉकलेट मसाला फ्राइड चिकन चिली पिकल ड्राई मैंगो खट्टा आम मसाला क्यूमिन गार्लिक चूनट्स कैश्यू नट और बनाना ब्रेड जो भी वो खाया करता था, रोस्टेड सॉल्टेड पिस्ताचो रोस्टेड मसाला आमंड्स, हर चीज़ वो लोग अपने हाथों से बना के पैक करते हैं विंग के लिए, और जितनी भी उसे सिटी के लिए चीज़ें चाहिए थी वो सारी की सारी पैक कर देते हैं
दोनों लैन ब्रदर भी आते हैं विंग के रूम में। विंग, जिसने एक ट्रांसपेरेंट सी शर्ट पहनी हुई थी बिना किसी अंडरगारमेंट के, वो बस नहाने ही जा रहा था कि लवांगची और लंजा उसके रूम में आते हैं और वो दोनों के दोनों विंग को हक कर लेते हैं टाइटली। विंग भी उन्हें हक करता है फ्रंट साइड से और लंजा भी विंग को बैक से हक कर लेता है लवांगची फ्रंट से, और वो सारे के सारे विंग के बेड के पास जाके बैठते हैं। और तभी लैन ब्रदर्स जो है वो गल्प करते हैं कि उनकी इतने प्यारे ब्यूटीफुल विंग जो है वो उनके सामने है। विंग भी एक्साइटेड था उन्हें देख के, और वो एकदम से क्लोज आता है लवांगची के, उसकी लैप पे बैठ के कहता है, लवांगची गगो, लंजा गगो, मैं आज जा रहा हूँ, क्या आप मुझे मिस करोगे? वो दोनों सिर हिलाते हैं। विंग फिर से लवांगची का फेस अपने हाथों में लेकर उसे किस करता है लिप्स पे, और इससे पहले वो आंसर देता तभी लंजा भी क्लोज आता है विंग के, और वो भी विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे एक पैशनेट डीप किस करता है। तभी यहाँ पर विंग जो है वो एक्साइटेड हो जाता है, जो कि ऑलरेडी एक ओमेगा लड़का था। तभी लवांगची देखता है कि विंग किस तरह से एक्साइटेड हो गया है, हार्ड हो गया है। और विंग लंजा को जब किस कर रहा था, तो जैसे ही उन दोनों की किस ब्रेक होती है, तभी विंग जो है पॉइंट आउट करता है अपनी पैंट्स की तरफ और वो कहता है, गगा, ओह देखो ना मैं कितना हार्ड हो गया हूँ, मुझे हेल्प करो ना, क्या आप दोनों मेरी हेल्प करोगे? तभी वो लोग विंग की जो ट्राउज़र्स होते हैं उसे हटाकर उसकी तरफ देखते हैं, उसके बॉडी पार्ट को, और धीरे धीरे वो विंग के बॉडी पार्ट को टच करने लगते हैं, स्टिमुलेट करने लगते हैं। तभी विंग कहता है, गगा, अगर आप दोनों नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, बस आप दोनों मुझे किस कर लीजिए प्लीज़ गगा, मैं आपके सामने बार बार कहता हूँ कि मुझे ना अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, प्लीज़ मेरी मदद करो ना, इससे मुझे दर्द हो रहा है। और दोनों ब्रदर एक दूसरे को देखते हैं और वो विंग का मास्टरबेट करने में हेल्प करते हैं। विंग जो कि बेड पे लेट जाता है और दोनों ब्रदर उसकी नेक पे, उसकी चीक्स पे किस करते हैं, उसे स्टिमुलेट करते हैं, और दोनों लैन ब्रदर स्क्वीज करते हैं विंग की बॉडी को, निप्पल्स को उसके क्लोथ्स में से। और विंग यहाँ पर कंटिन्यूसली मोइन कर रहा होता है, और सच में वो दोनों उसे मास्टरबेट करने में जब हेल्प कर देते हैं, तभी विंग कहता है, थैंक यू गगा, मुझे अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। दोनों लैन ब्रदर्स जो थे वो सच में उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। विंग कितना क्यूटी पाई है, वो दोनों के दोनों अपने सेक्सुअल डिज़ायर को थोड़ा काम डाउन करते हैं, क्योंकि विंग उनकी फ्यूचर शादीशुदा वाइफ होने वाली थी, ना कि उनका सेक्स स्लेव। तो लैन ब्रदर्स जो थे वो विंग के चेंज बिहेवियर को देख के कि विंग में अब बहुत ज़्यादा ऐसे सिम्टम आने लगे थे जो उसकी एडल्टहुड यानी कि उसके सेक्सुअल डिज़ायर को भी जगाते थे। तो तभी लंजा कहता है, हमने जो पॉर्न देखी थी शायद उसकी वजह से विंग बहुत सारी चीज़ों की अब डिमांड करने लगा है। लवांगची कहता है, तुमने क्या उसे कोई पॉर्न सेंड की थी? लंजा कहता है, हाँ वो कल रात ना इसने मुझसे पॉर्न मांगी थी, तो मैंने इसे कुछ पॉर्न भेज दी थी ताकि ये अपने आप को टच कर सके, और मुझे नहीं पता था कि आज ये ऐसी डिमांड करेगा। लवांगची कहता है, विंग क्या तुम खुद को प्लेजर करना चाहते थे, वो भी हम दोनों के सामने? विंग स्माइल करते हुए कहता है, गगा, बिकॉज आप लोग मुझे टीज करते थे और आप दोनों मेरे फ्यूचर हस्बैंड हो, तो यस मैंने कल एक आर्टिकल पढ़ा था कि जिसमें लोग ना एक दूसरे के सामने अपने पार्टनर के सामने मास्टरबेट करते हैं और जिससे उनका प्यार और ज़्यादा गहरा हो जाता है। तभी लवांगची कहता है, विंग ये सारी चीज़ें दूसरों के सामने कभी ट्राई मत करना, वरना वो तुम्हारा फ़ायदा उठा लेंगे, और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि हम दोनों कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे बिना तुम्हारे कंसेंट के, और जब तक तुम एडल्ट नहीं हो जाते, और प्लीज़ ऐसी कोई चीज़ मत करना जिससे दूसरा कोई दूसरा बंदा तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए।
उसके बाद विंग उन्हें प्रॉमिस करता है, दोनों उसके फोरहेड पे किस करते हैं और फिर विंग खड़ा होकर सीधा बाथरूम की तरफ चला जाता है शावर लेने के लिए। विंग उसके बाद एक कंफर्टेबल ड्रेस पहन के, टी शर्ट ट्राउज़र पहनकर अपनी कंफर्टेबल जर्नी को एंजॉय करने जा रहा था। वो दोनों ब्रदर विंग का लगेज बाहर लेके जाते हैं और विंग लास्ट टाइम उन दोनों से मिलता है, बो करता है और वो अपनी मदर से अभी भी नज़रें चुरा रहा था। यहाँ पर जो मिसेस वीजिया जो थी वो एक मदरली हक देती हैं अपने बेटे को और फेयरवेल देते हुए उसे विदा करती हैं। विंग विटनेस था लास्ट नाइट का कि उसकी मदर ने मल्टीपल टाइम कितना शेमलेसली तरीके से लैंचरन के साथ जो भी किया। वो कार की सीट पर बैठता है अकेला पीछे की तरफ और बाय बाय करता है सबको। यहाँ पर वी चांग से जो उसके पिता थे वो कार चलाते हैं और उनकी साइड से दूर चल जाते हैं। दोनों लैन ब्रदर्स को बहुत बुरा लग रहा था लेकिन वो विंग के करियर के लिए बहुत खुश थे। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और वी चांग से और लैन चरण वेट करते हैं लवांग जी का उनके कंपाउंड एरिया में। लवांग जी भी कंप्लीट कर चुका था अपना लास्ट एनुअल ईयर की क्लासेस को और वो तभी की तभी मूव कर जाता है स्टेट के लिए, यूनाइटेड स्टेट के लिए, अपनी फर्दर स्टडीज़ को कम्प्लीट करने के लिए। लवांग जी भी अब मिड टर्म्स के लिए अलाउड था, मतलब मिड टर्म्स में जाने के लिए पहले उसे अलाउड नहीं था लेकिन अब वो जा सकता था क्योंकि उसने अपने हाई स्कूल वहाँ के स्टेट के हाई स्कूल में एजुकेशन पॉलिसी में एडमिशन ले लिया था और उसे स्कॉलरशिप भी मिली थी स्टेट में एडमिशन की क्योंकि वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था स्पेशली हाई स्कूल में। इनसाइड लैन मेंशन में लैन ये प्रिपेयर कर रही होती है फिर से बहुत सारा खाना पीना वांग जी का नेसेसरी सामान जो फूड आइटम्स उसे पसंद होता है उसकी छोटी छोटी बिलोंगिंग्स को। लवांग जी भी शौक था और वो भी अपनी जितने भी उसका स्टफ था उन सब चीज़ों को पैक कर रहा था, स्पेशली बूट शूज़ शॉक्स जैकेट स्वेटर कार्डिगन स्वेटशर्ट्स ये सारी चीज़ें वो आराम से रख रहा होता है, स्पेशली फ़ोन का चार्जर हेडफोन्स ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बोर्डिंग पासेस पासपोर्ट आईडी हाई स्कूल का टीसी यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और उसका वीज़ा अप्रूवल। यहाँ पर मिसेस वीजिया जो थी वो अपने बेडरूम में रेस्ट कर रही थी क्योंकि कुछ महीने हो गए थे और यहाँ पर वो रो रही थी। यस वो प्रेग्नेंट थी लेंचरन के बच्चे के साथ लेकिन लेंचरन उसे फोर्स करता है कि वो अपने बच्चे की प्रेगनेंसी जो कि उसकी 2 महीने की प्रेगनेंसी थी उसे टर्मिनेट कर दे। लेंचरन कभी भी नहीं चाहता था कि जिया उसका बच्चा बोर करे पैदा करे। वीजिया को फॉलो करनी पड़ती है लेंचरन की कमांड को वरना वीजिया जानती थी कि वी चांग से उसे डिवोर्स दे देंगे और विंग की कस्टडी ले लेंगे उसे करेक्टरलेस वुमेन प्रूव करके और अबेंडन कर देंगे क्योंकि उन्होंने चीटिंग की थी अपने हस्बैंड पे। विंग भी शायद ज़िंदगी में कभी उनसे बात नहीं करेगा क्योंकि अब विंग जब से दूसरी शहर गया था उनके फ़ोन कॉल्स को वो अक्सर अवॉइड किया करता था। इवन वो कभी भी अपनी मदर से फ़ोन पे बात ही नहीं करता था जब से उसने अपनी मॉम को अंकल के साथ अंकल चरण के साथ ये सब करते देखा था। उन्हें अब मन ही मन गिल्टी फील होती थी, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती थी क्योंकि विंग उनका इकलौता सिंगल चाइल्ड था और उसे ऐसा लगता था कि लैन ब्रदर्स की वजह से उनका बेटा उनसे बात नहीं कर रहा जबकि जो मिसेस लैनी है या फिर जो वी चांगसे के फादर हैं वो भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते थे। वो हमेशा जो विंग था वो जो हमारी लंजा के मदर थी उनसे बात कर लेता था, अपने फादर से बात कर लेता था लेकिन अपनी मदर से खुद से बात नहीं करता था। यहाँ पर वो मैसअप कर चुकी थी अपनी फकिंग सेक्सुअल डिज़ायर की वजह से, उन्होंने सब बर्बाद कर दिया था। लंजा भी बहुत सैड था कि उसका एल्डर ब्रदर अब उन्हें छोड़ के जा रहा है। उसे अकेला फील होता है कि पहले उसका नोना बेबी विंग जा चुका था और वो भी अपनी लाइफ में बिजी रहने लगा था और अब सब चले जाएंगे उसे छोड़कर। उसे बहुत बुरा लगता था, वो टच में तो रहता था विंग के साथ कॉल पे लेकिन अब उसका भाई जाने वाला था। लंजा को बहुत हर्ट होता है जब उसे पता था कि उसके एल्डर ब्रदर लवांग जी भी उनसे बहुत दूर जा रहे हैं और किसी चुड़ैल की वजह से स्पेशली मिसेस वीजिया की वजह से। दोनों लैन ब्रदर जो थे वो कहीं ना कहीं बहुत हेट करते थे
उस वीजिया को। वो जानते थे उनकी ये मिसरी और ये पेन, ये दुख दर्द का कारण वही औरत है। लंजा जो है फेयरवेल देता है अपने ब्रदर को और दोनों लैंड ट्विन ब्रदर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक दूसरे को हग करते हैं और कंसोल करते हैं। लंजा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था अपने हर्ट से, उसका दिल बहुत मासूम था और उसके लिए डिफ़िकल्ट था ये पेन बेयर करना कि विजया की वजह से उसने अपने दो सबसे फेवरेट पर्सन, उसका बड़ा भाई लवांग जी और विभूषण से दूरी सहनी पड़ रही है। और वो जानता था कि उसकी ये जो आंटी है वो कितनी ज़्यादा इविल है, स्पेशली वो कितनी ज़्यादा क्रूल है। यहाँ पर जो लैनी थी वो रूम में आती है और हक करती है अपने बच्चों को और कहती है, रोना बंद करो लवांग जी, तुम जो हो स्टेट जा रहे हो एक अच्छे रीज़न के लिए। लवांग जी तुम जल्दी से वापस आ जाना, लंजा तुम्हारा यहाँ वेट कर रहा है। और लंजा तुम्हें बिल्कुल भी ना सैड होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा बीइंग तुम्हारा ब्रदर लवांग जी जल्दी वापस आ जाएंगे लैंड मेंशन में, और ये अच्छा ही तो है, वो अपने करियर के लिए जा रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए जा रहे हैं। तो मेरे बच्चों रोना बंद कर दो और हैप्पी हो जाओ अपने फ्यूचर को लेके। लैनी की आंखों में भी आंसू थे लेकिन वो अपने बच्चे को डीमोटिवेट नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी लंजा कैसा फील करेगा, लेकिन वो लवांग जी और विंग के करियर और उनकी आने वाली लाइफ के लिए बहुत खुश थी कि उन्होंने अपने करियर को भी चूज़ किया है। क्योंकि जब तक आप पैरों पे खड़े नहीं हो जाओगे तब तक आप घर कैसे चला पाओगे। प्यार तो बहुत अच्छी बात है पर प्यार से ऊपर दुनियादारी संसार भी चलता है, और संसार चलाने के लिए, घर चलाने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। तो प्यार को तभी आप उसके लिए अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, स्टैंड ले सकते हैं, जब आप आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। यहाँ पर मिसेज लैनी जो थी वो बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझती थी। तभी वो अपने बच्चों को हग करती हैं और थोड़ी देर बाद उनका हग जो है वो उसे ब्रेक करते हुए दोनों लवांग जी का लगेज नीचे ले जाते हैं और वो सबको बो करके अपनी सीट ले लेता है कार की बैक साइड में, और सबको फेयरवेल बिड करते हुए वो अपनी फैमिली से दूर चला जाता है। आज भी कार का जो कार थी ना वो कंपाउंड से होते हुए जाती है तो उसकी जो एक परछाई भी होती है ना वो भी बहुत आगे छूट चुकी होती है, बहुत आगे निकल चुकी होती है। और एकदम पलक झपकाते ही वांगची की गाड़ी उस गैराज से निकल गई थी। यहाँ पर विजया जो थी वो अभी भी अपने रूम में थी और लवांग जी तो उसका शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और आई नो ये थोड़ी डिफरेंट स्टोरी है लाइन, लेकिन ये डिफरेंट स्टोरी लाइन बहुत सारी चीज़ों को दर्शाती है। जैसा हम सोचते हैं ज़िंदगी हमेशा ऐसी नहीं होती, ज़िंदगी में अप एंड डाउन सबके होते हैं। और मैं अपनी कहानियों के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि लाइफ में लोग कितने लेवल तक क्रूल हो सकते हैं और कितने लेवल तक पोजेसिव हो जाते हैं, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि वो अपना पूरा घर भी बर्बाद कर सकते हैं। तो ये इसलिए हो जाता है क्योंकि लोग अपनी इच्छाओं पर या अपनी मेंटल जो उनकी स्ट्रेंथ होती है उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो आई होप आपको ये स्टोरी लाइन अच्छी लगी हो। अगर अजीब लग रही है, आपको नहीं पसंद आ रही तो आप देखना छोड़ सकते हैं, और अच्छी लग रही है तो आप कंटिन्यूटी में साथ रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।